हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि 16 का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर 272 लिखा है तो उसी प्रकार से 22 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें सीरीज है और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा यही बात आपको बताना होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिख रहा है इस जगह पर और इधर चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, टोटल 17 प्रश्न जो अलग अलग चैप्टर से शामिल किए हैं, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि वो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 281 है दोस्तों, जिसने पार्ट 280 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी, टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों पहला क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार से देखिए रॉकेट का संबंध ईंधन लिखा है तो उसी प्रकार से यहाँ पर दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा। जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, आप इस तरीके के प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए आपको बताते हैं, जिस प्रकार से देखिए दोस्तों हम लोगों का रॉकेट को चलने के लिए क्या है ईंधन की आवश्यकता होती है, बिना ईंधन का क्या रॉकेट चल सकता है, नहीं चल सकता है, तो उसी प्रकार से दोस्तों मानव को काम करने के लिए किसकी जरूरत है, ऊर्जा का जरूरत है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, देखिए यहां पर हुआ क्या, जिस प्रकार से रॉकेट को चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से मानव को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिना ऊर्जा का आप काम कर ही नहीं सकते। इस तरीके से आप सोचने के बाद ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ये देखिए जैसे कह रहा है श्रृंखला एक सीरीज को पूरा करना, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों वहां पर आपको बताना है कि क्या आएगा। तो जल्दी से आप करिए कीजिए और कमेंट करके बताइएगा इस पार्ट में आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो जैसे यहां पर है 4, 17, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 43 और यहाँ पर लिखा है 82 और क्वेश्चन मार्क, जल्दी से आप करके देखिए कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो 4 से यदि 17 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो इस जगह पर हम लोग कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 13 जोड़ देंगे। तो देखते चलिए पहले सीरीज कैसे चला है, यहाँ पर आगे जैसे बढ़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो ये देखिए यहाँ पर हम लोगों को कितना जोड़ना होगा दोस्तों कि 26 जोड़ना होगा। जैसे ये देखिए 7, 6, 13 और 2, 1, 3, 1, 4, उसी प्रकार से आगे जब यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, 40 जोड़ेंगे। ये देखिए 9, 3, 12 करी, 4, 3, 7, 1, 8, उसी प्रकार से आगे जब बढ़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे, तो पता चल चुका है कि 13, 26, 39, अगला क्या जोड़ेंगे दोस्तों 52 यहां पर जुटा जाएगा। तो इस जगह पर जैसे ही 52 जोड़ देंगे तो 2, 2, 4 और 8, 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे श्रृंखला यानी सीरीज वाले। देखना क्या होता है कि सीरीज पहले
किस तरीके से बढ़ रहा है, सीरीज घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो यहाँ पर वृद्धि करते जा रहा है और किस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए 13 फिर 26 39 यानी 13 का इस तरीके से वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों का यानी कि देखिए ना इन दोनों के बीच कितना का गैप है दोस्तों, 13 का है। देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे 13 का, उसी प्रकार से इससे जाएंगे दोस्तों 13 का, उसी प्रकार से यहाँ पर 13, इस तरीके से हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, सदृश्यता एनालॉजी से दिया है। इस तरीके के प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया। जैसे यहां पर लिखा है हम लोगों के सामने कि 16 का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, 272 लिखा है। उसी प्रकार से यहां पर इसका संबंध कह रहा है कि 22 का संबंध क्या होगा और क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए कैसे कीजिएगा, जल्दी से आप ट्राई करके देखिए दोस्तों, आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, तो हम आपको जरूर तरीका बताएंगे। आखिर देखिए 16 से हम लोगों का कितना जा रहा है, 272 जा रहा है, यानी बहुत छोटा संख्या से यदि बहुत बड़ा संख्या हुआ है, या तो वहाँ स्क्वायर हुआ होगा, या तो गुना हुआ होगा, या तो क्यूब किया होगा, यही बस दो तीन तरीका सोचेंगे दोस्तों। बहुत छोटा संख्या से बहुत बड़ा नंबर किया है तो यही किया होगा इस तरीके से। तो यहाँ पर बताते हैं उसने क्या किया है। ये देखिए यहाँ से अगर यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, 16 का हम लोगों के सामने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया है। अब यहां पर प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 16 कर दिया। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, अब प्लस क्या दोस्तों, 16 होता है। तो जैसे ही आप जोड़ देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा, 272 आ जाएगा। देख लीजिए 6 6 12 और 5 1 6 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से इधर 2 का 2, तो यानी 16 का स्क्वायर। तो उसी प्रकार से इसका करना है दोस्तों, जिसका निकालना है, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, 22 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे ही 22 का स्क्वायर अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, यहां पर हम लोग 22 जोड़ देंगे। तो ये देखिए 22 का स्क्वायर कितना होता है हम लोगों का, जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कि 22 का स्क्वायर कितना होता है। तो सर 22 का स्क्वायर हम लोगों का 400 कितना होता है, 84 होता है। तो उसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, 22 जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, इधर 4 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, 8 2 10 करी क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हासिल रहा, 1 4 1 क्या दोस्तों, 5, यानी कि 500 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया दोस्तों, बस आपको तरीका समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। साफ साफ यहां पर दोस्तों कि आपको देखना था कि 16 से आखिर कैसे लिखा है 272, तो यहां पर स्क्वायर करके और उसमें 16 जोड़ दिया है। तो उसी प्रकार से अगला यानी 22 का स्क्वायर करके क्या कर देंगे दोस्तों, 22 जोड़ देंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है ब्लड रिलेशन से, देखिए कैसे करेंगे तरीका सबसे। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन, यहाँ कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि यह मेरे दादाजी के, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों कि एक तस्वीर है, यानी कि तस्वीर में क्या कर लिया दोस्तों, इस तरीके का एक व्यक्ति बना लीजिए कि यही हम लोगों का क्या है दोस्तों, तस्वीर है। करे एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, महिला कर लेंगे, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप चल दीजिए। तो यहाँ पर एक महिला ने कहा कि यह मेरे दादाजी के, यानी महिला का क्या होगा दोस्तों, कोई पिता होगा, और इसी पिता का कोई क्या होगा दोस्तों, पिता होगा, तभी वो महिला का क्या होगा दोस्तों, दादाजी होगा। बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए कि यही इसका क्या होगा दोस्तों, दादा। तो वही कह रहा है कि मेरे दादाजी के, यानी कि यही हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, दादाजी हो जाएगा। यहां पर देखिए यहां पर यही होगा क्या हम लोगों का, दादाजी हो जाएगा। इस जगह पर यहाँ पर लिख देते हैं दादाजी यही होगा। तो वही हम लोग बता रहे हैं कि मेरे दादाजी के एकलौते बेटे थे, एकलौते बेटे यानी कि खुद हो गया बेटा, यानी कि क्या हो गया दोस्तों, खुद बेटा। और कह रहा है कि बेटे का बेटा, यानी कि बेटे का क्या दोस्तों, बेटा है। तो बेटे का यानी कि बेटे का क्या है दोस्तों, बेटा है। तो ये भी हम लोगों का क्या है दोस्तों, बेटा है। तो वही कह रहा है कि बताइए कि तस्वीर वाला व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित, उसका कौन हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। अरे ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो भाई और बहन का। तो वही कह रहा है कि यहां किससे पूछा है, व्यक्ति का उस महिला का क्या संबंध है, तो महिला का कौन हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है दोस्तों, साफ साफ लिखा है। देखिए बार बार इसीलिए बता देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आप बार बार यही कहते हैं, कि बार बार इसीलिए बताना पड़ता है ताकि आपको समझ में आए कि एक तस्वीर को इशारा करते हुए, तो तस्वीर बनाए, महिला ने कहा कि मेरे दादा
जी का, तो महिला का पहले कोई पिता होगा और पिता का पिता होगा तभी ना ही दादा होगा। तो बेसिक बात आप कहें ना, यहाँ पर ये दो लिखे हैं और दादा यहाँ पर, तो वही दादाजी के एकलौता बेटा, अब बेटा का बेटा तो महिला का कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पर हम लोग इस तरीके के प्रश्न कैसे यानी दिशा वाले दिया है दोस्तों। सबसे पहले बेसिक बात बता देना चाहते हैं कि ई साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, पूर्व लेना है, उसके जस्ट अपोजिट में हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों, पश्चिम लेते हैं, और जस्ट ऊपर में हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों, उत्तर लेते हैं, और नीचे हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों, दक्षिण लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यदि इस प्रश्न का आंसर करना चाहेंगे तो तुरंत हो जाएगा, यानी कि इधर पूरब हो गया, ई साइड पश्चिम हो गया, ऊपर में उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण। अब देखिए जैसे जैसे कर रहा है कि अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर चलता है, फिर हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, दाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए पहले पूर्व की ओर चल देंगे, तो यहां से ये देखिए इस जगह से स्टार्ट कर देते हैं कि यहां से सर स्टार्टिंग कर दिया और पूर्व की ओर चल दे, देखिए ना पूरब किधर है, तीर का निशान, तो ये 3 किलोमीटर चला है। उसके बाद कर रहा है फिर से दाईं ओर मुड़ा, तो देखिए तीर की जगह जैसे ही आप इधर जा रहे हैं दोस्तों, आपका दाया हाथ किधर हो जाएगा, ई साइड हो जाएगा, दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है, यानी कि दाईं ओर मुड़ के और कितना चल रहा है दोस्तों, 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर हो गया। तो बताइए अपने प्रारंभिक स्थान से यानी प्रारंभ कहां से किया है, तो प्रारंभ सर इसी बिंदु से, यहां पर ये जो बिंदु बना रहे हैं यहीं से ना प्रारंभ किया था। तो वही कह रहा है कि प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, यानी यहां से जो ई दिशा है दोस्तों, ई वाला दिशा हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, इधर वाला ई दिशा पूछा जा रहा है। तो ई दिशा यहां से यानी प्रारंभिक से अगर देखा जाए दोस्तों, इस तरीके से आप करेंगे तो ई जो दिशा हो जाएगा हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व। अरे ये वाला दिशा ही देखिए, यहाँ पर तीर जो दे रहे हैं, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, यहाँ से ये वाला दिशा पूछा जा रहा है, तो ये वाला यहाँ पर चार को ऐसे कीजिएगा ना, तो ये देखिए ये जो दिशा दिख रहा है ये दक्षिण पूर्व दिशा है, उसी तरीके से तो यहाँ पर है, यही कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहां से पूछा जा रहा है, तो ये वाला दिशा हम लोगों का यहां पर देख लीजिए दक्षिण पूर्व है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए यहां पर कह रहा है कि बॉक्स को 41 लिखा जाता है, मैप को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से राइट को कैसे लिखा जाएगा। तो ये देखिए तरीका आपको बताते हैं, सबसे शॉर्ट सबसे सरल। सबसे पहले आपको बेसिक बात बता देना चाहते हैं दोस्तों कि ए से लेकर हम लोगों का जेड तक में 26 लेटर होते हैं, ये बात आप जानते हैं। उसी प्रकार से ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3, नंबर 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 याद करना है। उसी प्रकार से डी का 4 होता है, ई का क्या होता है दोस्तों, 5 होता है। लिख लीजिए एकदम पूरा कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, ऐसे कर लीजिए और जेड तक लिख के याद कर लीजिए, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कई बार इस तरह कभी एनालॉजी में दे देता है, कभी कोडिंग डिकोडिंग में दे देता है, कभी हम लोगों का वर्गीकरण में यानी क्लासिफिकेशन में देता है, बहुत जगह इसका यूज पड़ेगा, इसीलिए आपको एक बार बोल देते हैं कि याद कर लीजिए। जैसे ही देखिए यहां पर दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने BOX, तो इसको क्या लिखा है दोस्तों, 41 लिखा है। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने कह रहा है कि MA और क्या दोस्तों P, तो मैप को क्या लिखे हैं, 30 लिखे हैं। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि R, उसके बाद A और T, तो क्या लिखा जाएगा, यही बात आपको बताना है। तो क्या आप इस तरीके के प्रश्न को नहीं कर पाएंगे, निसंदेह कर लेंगे, कैसे करेंगे। देखिए B का स्थान ABCD में कितना होता है दोस्तों, 2 होता है, प्लस का प्लस, O का स्थान 15 होता है, और X का स्थान कितना होता है दोस्तों, 24 होता है। तो जल्दी से आप सबको क्या कर लीजिए दोस्तों, जोड़ लीजिए, यानी इसका स्थान ये है, उसी प्रकार से इसका स्थान ये है, तो इसको आप जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 5, 4, 9, 2, 11 करी 1 हासिल रहा है 1, हाँ तो बिल्कुल 41 हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि आप नहीं जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए एम का स्थान कितना है दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 हो जाएगा। ए का स्थान अभी बता चुके हैं, 1 होता है सर, कई बार अभी बताए कि 1 होता है। उसी प्रकार से पी का स्थान कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। तो जैसे ही जोड़िएगा तो 16, 1, 17, 17, 13 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है, तो इसका आप कर दीजिए, आर का स्थान होता है हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, 18 होता है, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। ए का स्थान 1 होता है, और टी का स्थान कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। तो जोड़ लीजिए 18, 1, 19, 19, 20, इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रट
काटना नहीं है किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करें, बस बेसिक बात को याद रखेंगे हमेशा, कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो गलती नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है सातवां नंबर क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। ईद के तरीका सबसे शॉर्ट, यहां पर क्या करेंगे या तो आप ऊपर से चल देंगे आखिर ऐसा, हम लोग 8 और 10 को क्या करें जो 17 हो जाए, उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क इसको क्या करें जो 10 आ जाए, उसी प्रकार से 16-11 को ऐसा क्या करें जो 8 हो सकता है। या तो आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, दोनों संख्या गुणा कर सकते हैं, स्क्वायर करके घटाइए, क्यूब करके घटाइए या क्यूब करके जोड़ के उसमें कुछ कुछ कीजिए, इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो यहां पर बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर, या आप इधर से चल सकते हैं दोनों तरीका, ऐसा नहीं कि उधर से, इधर से भी 11-8 को ऐसा क्या करें जो 16 हो जाए, उसी प्रकार से इधर से ऐसा क्या करें जो हो जाए, इस तरीके से जोड़ना होगा। या हो सकता है दोस्तों सभी संख्याओं को जोड़ करके भी, कभी कभी सभी संख्याओं को क्या कर देता है जोड़ भी कर देता है, तो इस तरीके से आपको सोचना होगा तभी आप इस प्रश्न का आंसर कर पाएंगे। ईद की बेसिक बात बता रहे हैं, उसने क्या किया दोस्तों, ईद के यहाँ पर हम लोगों के सामने 8 हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने 11 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, ईद के 6-1 इधर हो जाएगा, 11-8 कितना हो जाएगा जोड़ लेते हैं, तो 11-8 19 और 19 और इसको एक इधर दे देंगे तो 20, यानी कि यहाँ पर कितना हो जा रहा है 11 11, उसके बाद 8 और 16, तो 6 1 7 8 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 6 1 7 और 8 7 15 करीब 5 हासिल हम लोगों के सामने कितना रहा, 15 हुआ, तो 15-1 हासिल, तो उसी प्रकार से इधर हो जाएगा दोस्तों 1 1 2 1 3, हाँ यहाँ पर जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा 35 हो जा रहा है। उसी प्रकार से ई देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसको जोड़ लेते हैं, यानी कि यहाँ पर ई देखिए ये वाला को जोड़ के देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर ई देखिए 17 और उसके बाद प्लस क्या दोस्तों हम लोगों के सामने, इसको जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, हम जोड़ के बता रहे हैं कि ये वाला को अब जोड़ रहे हैं, ये वाला को पहले देखिए हम लोग ये वाला जोड़े और 8 वाला यहाँ पर करके दिखाएंगे, जैसे 17 है उसके बाद 10 है, प्लस क्या है दोस्तों 8 है, इसको जोड़िए तो कितना हो रहा है हम लोगों के सामने, तो 7 देखिए यहां पर हो जाएगा दोस्तों 18 और 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए, 18 17 जोड़ेंगे 35। अब हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क वाला निकालना है सर, तो क्वेश्चन मार्क वाला जोड़ दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। ई देखिए यहां पर कर देते हैं, जैसे हम लोगों के सामने 10 हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, अब प्लस का प्लस क्या दोस्तों 11, जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए 35 आना चाहिए, ये बात हो चुका है। तो आखिर क्वेश्चन मार्क 10 11 कितना हो जाएगा, तो 10 11 21, 21 में आखिर ऐसा क्या जोड़ दें दोस्तों हम लोगों का जो कि 35 हो जाएगा। तो बिल्कुल यहां पर ईद के यहां पर यदि हम लोग देखते चलिए दोस्तों ध्यान से कैसे कर रहे हैं कि यहां पर 10 रख दिए, अब प्लस यहां पर क्या कर दें दोस्तों 14 कर दें, अब प्लस क्या कर दें 11 कर दें। देखिए यहां पर क्या कर दें दोस्तों, अब प्लस इस जगह पर ई देखिए यहां पर हम लोग इस जगह पर क्या कर दें, ये देखिए यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे ही प्लस कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 11 कर देंगे, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए 11 और 11 14 कितना हो जाएगा 25, अब 25 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या रखना होगा 14 रखना होगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का यहाँ पर जैसे ही आप 14 रख देंगे दोस्तों बिल्कुल जोड़ने के बाद हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या है, यानी सभी अंकों को जोड़ के 35 पूरा रहा था, जितना भी अंक हम लोगों का यानी संख्या दिया है दोस्तों सबको जोड़ के क्या कर रहा है 35, तो सब संख्याओं को जोड़ दीजिए, सब संख्याओं को जोड़ दीजिए, सब संख्याओं को जोड़ दीजिए, तो वहां पर जैसे ही रखेंगे 14 तो आपका क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों सही होगा, काफी इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि रिक्त स्थान को पूर्ण करने वाली आकृति कौन सी है, आखिर जो यहां पर जो पूरा करना है क्वेश्चन मार्क की जगह वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रख देंगे जो कि पूर्ण हो जाएगा, तो जल्दी से आप ट्राई करके देखिए। तो देखिए यहां पर कैसे रखा जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, इस तरीके से रखा जाएगा, यानी एक बिंदा कहां हो जाएगा दोस्तों यहां पर हो जाएगा, उसी प्रकार से एक बिंदा यहां पर हो जाएगा, उसके बाद एक बिंदा उसके सीधा में होगा, यानी कि यहां पर जैसे एक बिंदा क्या हो जाएगा दोस्तों इस जगह, और एक बिंदा हो जाएगा इस जगह पर, तो इस तरीके से आएगा, ये तो आकृति नहीं हो सकता है, हाँ तो इस आकृति को ऑप्शन नंबर बी ही पूर्ण करेगा, सी नहीं कर सकता है और ना ही डी कर सकता है, तो बी वाला रखेगा, तो बी वाला को किस में रखा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहां पर किस तरीके से घुमाने का प्रयास किया, यहां पर भी बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं कि सर इस प्रश्न का आंसर ए करेंगे बी करेंगे ऐसे करेंगे, बल्कि देखिए आकृति बी सही हुआ है, तो
आकृति भी किस ऑप्शन में है, तो डी में है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, देखिए कोई क्वेश्चन इतना जल्दी हो जाएगा कि कहना मुश्किल है, और कोई क्वेश्चन थोड़ा सा समय लेगा, तो इसमें आपको धैर्य बनाए रखना होगा। ये नहीं कि सब क्वेश्चन सर्व दुए सेकंड में कर दिया, तो ऐसा संभव ही नहीं है। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है क्यू का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको समय लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता। उसी प्रकार से जे का अर्थ क्या है दोस्तों, और कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि उसमें समय लगेगा ही नहीं, देखते ही आंसर हो जाएगा। जैसे आकृति वाले जितने क्वेश्चन होगा देखते ही आप कर लेंगे। जैसे ये देखिए जे का अर्थ क्या है दोस्तों, यहां पर गुना है। उसके बाद टी का अर्थ क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने माइनस है। के का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, भागा लिखा है, तो के की जगह भागा, तो निम्नलिखित में से कौन सा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो जैसे जैसे हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, बस बैठा के सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहां पर है 42, तो 42 उसके बाद के, तो के की जगह लेने के लिए कहा है भाग, तो यहां पर भाग कर देंगे, उसके बाद लिखेंगे 3। उसी प्रकार से क्यू, तो क्यू की जगह हम लोगों के सामने प्लस, उसी प्रकार से उसके बाद 9, उसके बाद जे, तो जे के जगह गुना 4। उसी प्रकार से टी, तो टी के जगह माइनस और बराबर 2 और क्वेश्चन मार्क। बस इसको सॉल्व करेंगे और क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 42 में 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 + 42, अरे भागा दीजिए ना 3 से 42 में, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं। उसी प्रकार से प्लस, 9 + 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और माइनस का माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। तो जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 36 और 14 कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। 50 में जैसे ही 2 घटा देंगे तो हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा दोस्तों, 48 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बस आपको तरीका समझना यहां पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन, देखते ही आंसर आ जाएगा, देखते ही क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर। कह रहा है विषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, 1 अलग है, तो कौन सा आकृति, ये वाला आकृति अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, यही बात आपको बताना है। तो देखिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या। देखिए यहाँ पर देखिए एन जो बनाया इसमें रेखा का प्रयोग किया है, उसी प्रकार से ए जो लिखा है इसमें रेखा का प्रयोग किया है, जेड जो बनाया इसमें रेखा का प्रयोग किया है, यानी इस जितने भी कलर के दोस्तों सब में रेखा का प्रयोग किया, और 3 रेखा है, क्या है दोस्तों हम लोगों का, 3 रेखा यहाँ पर लिख देते हैं, 3 रेखा का प्रयोग किया है, 3 रेखा का क्या किया है दोस्तों, प्रयोग किया है, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 रेखा का प्रयोग यहाँ पर किया है। इसी प्रकार से यहाँ पर आकृति बी क्या होगा, सही होगा। और बी को किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका समझना दोस्तों। देखिए यहाँ पर N में 3 रेखा का प्रयोग, A में भी 3 रेखा का, Z में भी 3 रेखा, लेकिन D में जो है इस तरीके से नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोगों का B अलग होगा, और B वाला का ऑप्शन नंबर A में रखा है, तो ये क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछा है, लगभग स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम, और लगभग मैक्सिमम ही कूदते हैं कि सर मैक्सिमम ही होगा, आखिर कैसे मैक्सिमम होगा, वही तो हमको आपको जानना है और बताना है आपको। तो देखिए बताते हैं, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। आखिर बताना है कि इसमें टोटल कितना है, क्या है दोस्तों, त्रिभुज है। काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया, तो ये देखिए बेसिक बात आपको बता देते हैं कि कैसे करते हैं। यहां पर जैसे एक छोटा सा बात आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन करने में सुविधा कर देगा। यहां पर अगर इस तरीके से और इसमें इस तरीके से काट दिया, उसी प्रकार से इसमें इस तरीके से काट दिया और कहेगा कि इसमें कितने त्रिभुज है, तो इसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, देखिए 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 4 त्रिभुज तो हम लोगों का सिंगल सिंगल हो गया। उसके बाद अब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, मिलाकर बनेगा। देखिए जैसे 4 और 1 को मिला देंगे तो हम लोगों का 1 त्रिभुज यहां से बनेगा कि नहीं, 5वां हो गया। उसी प्रकार से जब हम लोग 3 और 2 को मिला देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 6ठा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से फिर आपको समझना है दोस्तों, देखिए यहां पर अब 1 और 2 को मिलाएंगे तो भी 1 त्रिभुज बन रहा है 1 और 2 को, उसी प्रकार से 3 और 4 को मिलाएंगे दोस्तों तो भी बनेगा। तो टोटल आप ऐसे याद रखिएगा कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का 8 त्रिभुज, एका को करके बता दिए कि 8 त्रिभुज आएगा। आप बेसिक बात क्या हम लोगों का आंसर करने का कि 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज, बस इसमें कितना हो गया, 4 में आप 2 से गुना कर दिए दोस्तों, आपका उसमें टोटल त्रिभुज निकल जाएगा। कभी भी इस तरीके से वर्ग में अगर इधर से क्रॉस और इधर से क्रॉस 2 बार लगाया तो उसमें 8 त्रिभुज हो जाएगा, यानी 4 को सिंगल और उसमें 2 से गुना कर देंगे तो 4 दुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से तो नीचे में है सर, तो नीचे भी हम लोगों का वही हो जाएगा,
चार अगुना दो कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आठ हो जाएगा। अरे नीचे वही वाला आकृति है ना, तो ये देखिए यहाँ पर ये आकृति नहीं दिख रहा आपको, कैसे कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आठ त्रिभुज इस तरीके से आ जाएगा। तो वहां पर बता भी दिए कि आठ कैसे होता है, ये भी बात बता दिए कि अगर हम लोगों का वर्ग बना है, वर्ग में अगर एक बार इस तरीके से काटा, एक बार इस तरीके से काटा, तो टोटल आठ त्रिभुज है। कैसे है वो बात बता चुके हैं। तो यहाँ पर आठ आठ सोलह तक तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है सर, हम लोग सोलह तक काउंट कर लिए, अब हमको बता दिए। तो ये देखिए सोलह के बाद एक गो और दो गो और एक यहां से इसको लेंगे दोस्तों इस तरीके से, ये देखिए यहां से यहां तक लेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। तो अगर इधर तीन बना और इधर भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से जब इधर लेंगे तो हम लोगों का, ये देखिए इसमें नहीं आएगा, एक आएगा, दो आएगा, एक तीन, तो इधर तीन और तीन क्या हो जाएगा, छह। अब जोड़ लेते हैं, देखिए आठ हो गया प्लस आठ हो गया प्लस हम लोगों का तीन हो गया प्लस क्या हो गया दोस्तों, तीन हो गया प्लस। अब देखिए यहां पर बहुत सारा स्टूडेंट यही गलती कर रहे हैं कि उसने इस आकृति को तो देखा ही नहीं, यही गलती उसने किया है। कौन सा, ये देखिए कि यहां से आप ये त्रिभुज कहां लिए, ये देखिए उसमें अभी कलर किए थे, एक त्रिभुज यहां हुआ, उसी प्रकार से ये देखिए यहां से दोस्तों इधर से जाके इधर से बाहर में तो दो को त्रिभुज इधर से लिए, उसी प्रकार से ये देखिए अब हम लोगों के सामने कहां से होगा दोस्तों, ये देखिए यहां पर इधर से लेना होगा, उसी प्रकार से ये देखिए यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा, यानी कि ये देखिए एक त्रिभुज यहां से इस तरीके से इधर जाएगा, उसी प्रकार से एक त्रिभुज क्या होगा दोस्तों, यहां से इधर जाएगा। तो इस तरीके से ले लेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, चार त्रिभुज यहां पर हो गया। और उसके बाद देखिए फिर हम लोगों के सामने कहां कहां बनेगा दोस्तों, ये देखिए दो त्रिभुज और बनेगा, कौन कौन, ये देखिए इसको इसको यहां से मिला के लेना होगा, बताते हैं, यानी कि यहां से ये देखिए इधर से एक त्रिभुज हम लोगों के सामने इस तरीके से लेना होगा दोस्तों, ये जो देख रहे हैं यहां से, और उसी प्रकार से एक त्रिभुज हम लोगों का यहां से इस तरीके से आएगा। यहां पर ये देखिए ये जो कलर कर रहे हैं इसको आप लेबे नहीं किए थे, उसी प्रकार से यहां पर जो अंदर में थे दो त्रिभुज हम लोगों का क्या हो जाएगा इस तरीके से। तो अब जोड़ लीजिए कितना हो रहा, आठ आठ सोलह और सोलह और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सोलह, तीन कितना हो जाएगा उन्नीस, उन्नीस तीन कितना हो जाएगा दोस्तों 22, 22 और 4 जोड़ेंगे तो 26, अधु कितना हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, सही होगा। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट यही कहेंगे कि मैक्सिमम ही होगा, मैक्सिमम बस गलती होगा ही होगा, बस तरीका को समझना दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं है। देखिए आपको बेसिक बात बता चुके हैं कि टोटल इस आकृति में कितने त्रिभुज आएंगे, 28 आएंगे, कैसे आएंगे ये भी बात बता चुके हैं। अगर आप नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों कि एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, तो इसमें दो से गुना कर देंगे तो आठ त्रिभुज इसमें हो गया, उसी प्रकार से यहां पर करेंगे दोस्तों एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, तो चार दुना क्या हो जाएगा, आठ त्रिभुज इसमें हो गया, प्लस का प्लस। उसके बाद हम पहले ही इस बार इस दोनों को ले लेते हैं, नहीं तो आप कहे थे कि कैसे हुआ था। देखिए यहां से एक त्रिभुज हम इसको यहां से यहां तक और काउंट कर लेते हैं पहले ही, उसी प्रकार से एक त्रिभुज यहां से और इस तरीके से हम काउंट कर लेते हैं, तो दो को त्रिभुज आप काउंट कर लिए हैं, इन दोनों को क्या कर लिया दोस्तों, काउंट कर लिए हैं प्लस का प्लस। अब देखिए हम लोगों का इधर भी त्रिभुज तो बन रहा है सर, यानी कि ये देखिए एक उसके बाद दो और एक बड़ा वाला जो इसको ये दोनों को मिलाएंगे तो नहीं हो जाएगा इस तरीके से, तो तीन त्रिभुज इधर हो जाएगा और वही एक दो और इसको मिला लेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तीन त्रिभुज इधर हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए। अब देखिए अब इतना कर लेने के बाद ही आपको बताना था कि यहां पर देखिए और त्रिभुज सर, यहां से ई त्रिभुज एक को लेंगे, ये देखिए उसी प्रकार से यहां पर यहां से जाएंगे दोस्तों, एक दो त्रिभुज इधर हुआ, उसी प्रकार से नीचे दो को त्रिभुज हो जाएगा, यहां पर एक त्रिभुज, उसी प्रकार से यहां से एक त्रिभुज हो जाएगा, तो चार को ऐसे बनेगा। तो जोड़ लीजिए आठ आठ सोलह, सोलह और दो अठारह, अठारह तीन कितना हो जाएगा दोस्तों इक्कीस, इक्कीस और तीन कितना हो जाएगा चौबीस, चार अट्ठाईस, कैसनो कीजिएगा अट्ठाईस आएगा, कभी नहीं बत्तीस हो सकता है, कभी नहीं तीस हो सकता, और नहीं इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही, समय लेंगे लेकिन आपको सिखा देंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बारह नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, यहां पर कह रहा है हम लोगों के सामने देखिए कि उस कौन सा पैटर्न दिए गए से बहुत मिलता जुलता है, तो मिलता जुलता आपसे कह रहा है, देखिए कहां मिलता जुलता है, जैसे स्टार के बाद इस तरीके से गोला टाइप में दिया गया दोस्तों, यहां पर देखते हैं कहां पर ये आकृति हम लोगों का कभी हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए में तो ऐसा कहीं दिख ही नहीं रहा कि वो हो पाएगा। क्या तीन आकृति, तीन स्टार और तीन गोला है क्या, नहीं है। उसी प्रकार से यहां पर देखिए, हाँ तो बिल्कुल यही वाला आकृति सही होगा, ये देखिए यहाँ पर क्या को चार को दे दिया है गोला टाइप में इस तरीके से, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और इसमें देखिए तीन स्टार हम लोगों का तीन टो है, तो स्टार तीन टो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए गोला हम लोगों का किस तरीके से है दोस्तों, एकदम उस तरीके से दिया है जो कि एकदम रहना चाहिए, दो गो एकदम सटा हुआ है, दो गो सटा हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पर फोल्ड कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, फोल्ड कर दिया। तो इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का ये आकृति नहीं होगा, बल्कि एक देखिए ना एक लाइन में
किस तरीके से स्टार, इस तरीके से एक लाइन में स्टार यहाँ पर किस तरीके से कर दिया, तो बी वाला सही होगा। और बी वाला को ऑप्शन नंबर ए में रखा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बस तरीका को समझिए, आप प्रश्न को रटिए नहीं, कर कौन सा आकृति उस पैटर्न से मिलता जुलता है, तो मिलता जुलता ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, सही, मतलब ऑप्शन नंबर ए आकृति बी सही होगा। तो बी किस ऑप्शन में रखा, ऑप्शन नंबर ए में, हूबहू देखिए वही आकृति। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि डी वाला आकृति होगा सही और बी वाला क्या करेंगे टिक कर देंगे, जो कि सारा सर गलत होगा। मिलता जुलता देखिए हूबहू उसी तरीके का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष दिया है, सभी बर्तन पोट है, तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बर्तन, तो सभी बर्तन हम लोगों का क्या है, सभी बर्तन पोट है, तो यहाँ पर कर लेते हैं सभी बर्तन हम लोगों का पोट है, और इसको यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, इस तरीके से लगा देंगे। और फिर सभी पोट क्या है, गीली मिट्टी का, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा गीली मिट्टी, तो यहाँ पर बना लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, गीली मिट्टी कर लेंगे, तो ठीक है सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा गीली और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने मिट्टी हो जाएगा, तो ठीक है इस तरीके से कर लीजिएगा गीली मिट्टी और इसको क्या कर दीजिएगा बना दीजिएगा, तो वो यहाँ पर हो गया। यानी देखिए सभी वाला डायग्राम एक गोला दूसरे में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी वाला हो जाएगा, और जब एक गोला दूसरे को इस तरीके से करेगा तो ये क्या होता है दोस्तों, कुछ वाला डायग्राम होता है। बेसिक बात आपको हमेशा बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रश्न करने में कभी भी आपको दिक्कत नहीं हो, और जिसको जिसको जिसने चैनल पर जाके सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको एक बार बता देना चाहते हैं कि चैनल पर जाके सारे पार्ट देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट में सभी चैप्टर से क्वेश्चन इंक्लूड दोस्तों, अलग अलग चैप्टर जितने भी आपके रीजनिंग चैप्टर है वो सारे प्रश्न आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, बस बशर्ते आप सारे पार्ट को देख लीजिए। यहां पर देखिए अब आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि सभी बर्तन गीली मिट्टी है, तो जितना भी बर्तन है दोस्तों ये देखिए जितना भी बर्तन का हिस्सा इसको पेंट कर देते हैं, जितना भी बर्तन है वो क्या है गीली मिट्टी, गीली मिट्टी का इतना बड़ा हिस्सा है और गीली मिट्टी में सब टो है, वही कह रहा है सभी बर्तन गीली मिट्टी है, बिल्कुल सही कह रहा है। अरे जितना भी बर्तन का हिस्सा है उस सब टो क्या है गीली मिट्टी में, इतनी बात क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बेसिक बात को आपको समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एक सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कह रहा है कि कुछ गीली मिट्टी पोट है, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि गीली मिट्टी का इतना बड़ा हिस्सा है, ये सबसे बड़ा जो हिस्सा आप देख रहे हैं किसका है गीली मिट्टी का, तो गीली मिट्टी में कुछ हिस्सा किसका है दोस्तों पोट का, इतना सा हिस्सा जो ये देख रहे हैं इस सारा को अगर पेंट कर देंगे तो ये जो ये सब एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का पोट हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि कुछ गीली मिट्टी पोट है, तो गीली मिट्टी का इतना बड़ा हिस्सा यानी इतना बड़ा घर में से कुछ हिस्सा किसका है दोस्तों पोट का, यानी कि वही कह रहा है कि कुछ गीली मिट्टी जो है हम लोगों का यहां पर क्या कर रहा है दोस्तों कि कुछ गीली मिट्टी जो है पोट है, तो बिल्कुल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर दोनों निष्कर्ष सही करता है, यानी फिगर को आप दिखा देना चाहते हैं, कलर नहीं यहां पर करेंगे, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, दोनों निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा, दोनों अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पर महिला है, शिक्षक और चिकित्सक है, तो कौन सा डायग्राम बनेगा यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर पहले सबसे पहले क्या लिखा जाएगा हम लोगों का, महिला लिखा जाएगा, तो कुछ महिला हम लोगों का क्या हो जाएगा यानी कि शिक्षक हो जाएगा, तो इस तरीके से लिख लीजिए कुछ महिला हम लोगों का क्या होगा दोस्तों शिक्षक होगा, तो ठीक है कुछ महिला हम लोगों का क्या हो जाएगा शिक्षक हो जाएगा, कुछ महिला शिक्षक हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों चिकित्सक हो सकता है, तो इस तरीके से यहाँ पर कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा चिकित्सक हो जाएगा, तो इस तरीके से कुछ हिस्सा ये दोनों का इसमें कर दीजिए दोस्तों और क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से कर लीजिए, तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी ही क्या होगा दोस्तों सही होगा। यानी कुछ महिला शिक्षक हो सकता है और कुछ महिला शिक्षक क्या हो सकता है चिकित्सक भी हो सकता है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों सही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करने लगते हैं, तो कोई सी तो कोई डी ऐसे करने लगते हैं, बल्कि आपको तरीका समझना है कि कुछ महिला शिक्षक हो सकता है और कुछ महिला शिक्षक हम लोगों का चिकित्सक भी हो सकता है, इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, देखिए यहां पर कह रहा है कि हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष दिया कर कि कश्मीर जो है पृथ्वी का स्वर्ग है, तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, कश्मीर क्या हम लोगों का पृथ्वी का स्वर्ग ही है, नहीं देखते हैं एकदम नजारा कैसा देखने में, तो यहाँ कह रहा है कि कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, इसीलिए स्वर्ग का मतलब ये एकदम सुंदर बहुत सुंदर ऐसा है। तो उसके बाद कह रहा है कश्मीर के लोग सबसे अच्छा, हम लोगों के बारे में क्यों क्या जानेंगे कि कश्मीर लोग अच्छे होते हैं, तो वहां पर देखिए किस तरीके से बीच में आप देखे होंगे दंगा फसाद जो
हो रहा था बाबा के चलते कि ब्राह्मण को इस तरीके से पीटा, तो अच्छे लोग होते इस तरीके से। आप इन न्यूज में आप सुने थे, यहां से उसका कोई मतलब नहीं, आप उसको दिल पे मत लीजिए। यहां पर कह रहा है कि कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है, तो यहां पर आपसे यही कह रहा है कि कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है। तो बात सही है, कश्मीर के लोग अच्छे हैं, तो लोगों के बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि लोग अच्छे हैं कि बुरे हैं, ये बात वहां पर कहां कथन में नहीं दिया है, हम ये नहीं सोच सकते हैं कि कथन में। इसीलिए केवल एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा? सही होगा। यानी निष्कर्ष केवल एक तर्क संगत है, बस तरीका को समझना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृतियों के समूह से असमान है, यानी संख्याओं के क्या दोस्तों? समान है। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं। जैसे यहां पर हम लोगों के सामने क्या दोस्तों कि 6 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 14 है और क्या लिखा है दोस्तों 30 लिखा है। तो उसने क्या किया है इस बात को आपको बताते हैं कि आखिर उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का। ये देखिए 6 से यदि 14 पे जाएंगे तो हम लोगों के सामने कितना यहाँ पर जोड़ा है दोस्तों 6 से 14 पे जाने के लिए, तो यहाँ पर सर 8 जो 8 हम लोगों के सामने क्या किया है इस तरीके से है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अगर इससे इस पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कि सामने कितना किया है, यानी कि प्लस क्या किया दोस्तों 16 किया है। यहाँ पर क्या किया है प्लस 8 और प्लस 16, यानी दो गुना का यहाँ पर क्या है दोस्तों दो गुना का वृद्धि है। बेसिक बात को समझिए दोस्तों, यहाँ पर क्या किया उसने दो गुना का वृद्धि किया है, यानी 8 जोड़ा उसी प्रकार से 16। तो पहला ऑप्शन उठाएंगे और करके दिखाएंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए पहला ऑप्शन जैसे ही उठाएंगे तो यहाँ पर 4 है, उसके बाद 16 है और क्या है दोस्तों 28 है। इसको करके देखते हैं हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर जैसे उठाएंगे तो 4 से 16 जाने के लिए कितना जोड़ना होगा 12 जोड़ना होगा, तो यहाँ पर दो गुना जोड़ना होगा, तो दो गुना 24 जोड़ेंगे तो क्या हो पाएगा? कभी हो ही नहीं पाएगा। तो दो गुना आप कहाँ कर पा रहे हैं, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं पाएगा, तो फिर आप कौन सा ऑप्शन उठाने बैठिएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका किसको उठाएंगे दोस्तों? बी को उठाएंगे। तो देख लेते हैं, ये देखिए जैसे 7 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 12 है और क्या है दोस्तों 22। एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क भी रखेंगे, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहां पर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। देखिए यहां से यहां पर जाने के लिए क्या करना, ये देखिए यहाँ पर आप देख चुके हैं दोस्तों, यानी कि 16 और हम लोगों का 14 और 30 में क्या था दो गुना था, यानी कि यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए उसने क्या किया दोस्तों प्लस 8 किया है और यहाँ से जाने के लिए उसने क्या किया है यानी कि 16 किया है, प्लस क्या किया दोस्तों 16 किया है। तो यहाँ पर दो गुना करके यानी कि इससे इसमें जाने के लिए क्या किया दोस्तों उसने दो गुना किया है, यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए उसने दो गुना किया है। तो उसी प्रकार से आप जब ऑप्शन नंबर बी को उठाएंगे तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। जल्दी से कर देते हैं, 7 है, उसके बाद 12 है और यहाँ पर 22 है। देखिए यहां पर जैसे ही करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, 7 से 12 पे जाएंगे तो यहां पर कितना किया उसने प्लस 5 किया है, उसी प्रकार से 12 से 22 पे जाएंगे तो प्लस किया दोस्तों 10 किया है। तो देखिए 5 से 10 पे जा रहे हैं दो गुना किया है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा। बेसिक बात को समझिए, यहां पर दो गुना करके लिखा है, दो गुना, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों सही होगा। एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस प्रश्न का आंसर जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा क्या होगा, यह प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में रखे हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब करने कभी मत भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।